चीन मूल्यों के लिए जाना जाता है दुनिया में, ऐसे दो महान व्यक्तियों का आज जन्मदिन है, तो मैं उनके लिए एक दो मिनट में, आज की नई पीढ़ी के बच्चे जो आप जुड़े हैं और जो बाद में भी अपना विश्वायुर्वेद परिषद का फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी बहुत सारे विद्यार्थी और अध्येता इसको कंसल्ट करते हैं, सुनते हैं, उन सबके लिए एक बात मैं विषय यहाँ रखना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने दुनिया के तत्कालीन सभी सिद्धांत को, नियमों को, विचारों को उद्वेलित कर दिया और अपनी बात को समय के साथ अनेक व्यक्तियों के सामने रख के उन्होंने भारत की आजादी को बहुत ही अनन्य तरीके से, सत्य और अहिंसा हम सब जानते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया और हमें उस विषय को लेके आजादी भी मिली। और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, सादगी का बहुत बड़ा अनन्य उदाहरण है वो, कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी जब उनको पता चला कि सभी को खर्चे कम करने हैं तो उन्होंने अपना धोबी, घर की सफाई काम, ये सभी कर्मचारियों को हटाया, उनसे क्षमा प्रार्थना की कि मैं इतना नहीं कर सकता अभी और मैं अपने कपड़े खुद ही धोऊंगा। और आज भी नई पीढ़ी के बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने समाज में आसपास में देखेंगे तो सोमवार के शाम का भोजन नहीं करने वाले, फलाहार भी नहीं करना है, दूसरा भोजन भी नहीं करना है, एक ही समय खाना खाना है, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे और आप उनसे पूछिएगा, वो ऐसे कहेंगे कि मैं शास्त्री जी का सोमवार कर रहा हूं। क्योंकि भारत में जब अन्न की तंगी हो गई, अछत हो गई, तब उन्होंने भारत वासियों को एक निवेदन किया था कि आप जियोगे तब तक सोमवार के शाम का खाना नहीं खाएंगे, ऐसा व्रत ले सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने लिया था। और मैं जब समाज में ऐसे लोगों को देखती हूं तो मुझे शास्त्री जी की जन्म की सार्थकता के ऊपर बहुत ज्यादा गौरव और अभिमान होता है। तो ये कुछ ऐसी विषय है, ऐसे बिंदु है कि जिसको लेके हम अपने क्षेत्र में 100% देने के लिए उद्यत हो सकते हैं, हम बहुत अच्छी परिश्रम उत्साह से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो उन दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती के दिन उनको वंदन करते हुए अनेक शत शत नमन और आप सभी को भी उनके जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मैं आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर रविनारायण जी आचार्य का स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर खुशवंत जोशी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर खुशवंत जोशी, आपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मदन मोहन मालवीय कॉलेज उदयपुर से किया है और आप अभी आयुर्वेद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काय चिकित्सा विभाग में कार्यरत है और आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर खुशवंत। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्व आयुर्वेद परिषद जयपुर NIA ब्रांच की तरफ से इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। और सबसे पहले, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम सबसे पहले भगवान धन्वंतरी जी का स्मरण करेंगे। इसके लिए डॉक्टर दीक्षा। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पाद पद्मं लोके जरारोग भय मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये 2015 से हमारा अनवरत व्याख्यान माला जारी है। इसी क्रम में हम आज ये
हर्ब ड्रग इंटरेक्शन जो है आज का विषय, इस पर व्याख्यान देंगे हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के हमारे प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी। आप वर्तमान में डीन एवं विभागाध्यक्ष द्रव्यगुण विभाग में कार्यरत हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में। आप द्रव्यगुण विषय में एमडी पीएचडी हैं, साथ ही आपने बोटनी में बीएससी भी किया है सर। इसके अलावा बायोथिक्स में पीजी डिप्लोमा भी है सर। आपका लगभग 20 वर्षों का अध्यापन का अनुभव रहा है, लगभग 100 के आसपास जो पीजी स्कॉलर हैं या पीएचडी स्कॉलर हैं वो आपके मार्गदर्शन में अपनी थीसिस कंप्लीट कर चुके हैं। आयुष एवं जामनगर के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 7 रिसर्च प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए हैं और 4 अभी रनिंग में हैं सर। इसके अलावा द्रव्यगुण विषय पर आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो रखी हैं, लगभग 288 रिसर्च आर्टिकल आपके विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो रखे हैं। इसके अलावा सर के बहुत से लगभग 135 के लगभग रिसर्च प्रेजेंटेशन आप कर चुके हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में। इसके अलावा सर आप बहुत सारी जो साइंटिफिक सोसाइटी हैं उनके लाइफ टाइम मेंबर हैं आप, और इसके अलावा आप ने जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वहां पे आपने स्ट्रेंथनिंग क्लिनिकल रिसर्च कैपेसिटी ऑन सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी केयर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन विषय पर जो सेमिनार उसको में आपने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा बीजिंग में WHO कंसल्टेंट्स पे हर्ब ड्रग इंटरेक्शन में भी आप गवर्नमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कर चुके हैं। तो आज का विषय जो है बहुत ही प्रेरणास्पद रहेगा हमारे लिए, तो मैं अभी आगे के लेक्चर के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी को। प्लीज सर आप इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू। जी सर। हाँ एक मिनट तो इसको ऑन कर दो। जी 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 सर। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन एट द आउटसेट। Am I audible? Hello? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. At the outset, I thanks the organizer, Hetal Madam in particular, and Dhiman sir for giving me a chance to speak on the platform, NIA platform and the Vishwavidyalaya Parishad platform. Respected participants here, I saw a lot of senior participants, the Galip ji, Mahesh Dadhichi ji, Mahesh ji, and also my students and other friends from Nandan Ayurveda. I saw a doctor from Odisha. He's also online from who is running a pharmacovigilance journal. He's also online here. So many friends are there, and Anil Shukla ji, so many friends are there. So I with this introductory address, let us speak in the next 1 hour. We'll discuss regarding new topic, emerging topic in the field of pharmacovigilance, particularly a new topic in Ayurveda, in particular that is hot drug interactions. In the next
a few minutes we'll discuss regarding why to study herb-drug interactions. And what is the definitions WHO gives to herbs? The why does the herbs is so defined? What is definition and current scenario is the herbal medicines? Why herb-drug interaction is necessary? But for that purpose, we'll see the current demand and current scenario of herbal medicine in the India and also in the world. And what are the Ayurvedic concept of this herb-drug interaction written in classical text of Ayurveda, and certain reported latest research, whatever reported published data on herb-drug interactions, how this herb-drug interaction should be monitored, and what are the probable actions of this herb-drug interaction, we'll discuss. Dear friends, there are so many WHO, international organization, which gives us guidance regarding this certain health policies of the world. It defines a herb as a crude plant material which may be entire, fragmented, or powder. That is the definition gives by the WHO regarding this herb. And there are another many terms across the globe are used for this herbal medicines or herbal preparations, herbal materials. Herbal materials also it include, in addition to herbs, other crude plant materials, example of this other gum, resin, blossoms, and exudate, etc. Herbal medicines, before 2014, the herbal medicines in 2000, WHO published one published document. Herbal medicines include in different countries, the definition of herbal medicines are different. It includes the herbal medicines in previous definition. It includes all the animal products, other mineral products, metallic products, whatever used certain product that they are included in herbal medicine. But in 2014, the definition has been changed and only include how herbal materials, herbal preparation, and finished herbal product. And herbal preparation, product from herbal material by physical and biological process, WHO defines in that aspect. And in many places across the globe, and this with Ayurvedic medicines, even Ayurvedic medicines, those are mainly of herbal origin. They are known as nutraceuticals, dietary supplements, and functional foods. And they also natural health product. These are the definition generally gives, generally covers all the Ayurvedic, we being the Ayurvedic physician, all the materials in the across the globe. These are the definition, these are the terms used for herbal medicines. And WHO defines drug as any substance or pharmaceutical product for human or veterinary use that is intended to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. So in this definition, WHO, it covers both synthetic, natural, herbal, or all the product of all this other than herbal, the minerals, metals, everything is product that is known as herbal. And as a source of drug in Ayurveda,